आजकल की इस भाग दौड़ वाली लाइफ में हम लेडीज ब्रेकफास्ट ही नहीं करती क्योंकि टाइम नहीं मिलता, जबकि हम सबको पता है कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, फिर भी हम इसे स्किप कर देते हैं। अब देखिए ना, इससे क्या होता है, एक तो इंटरनली बॉडी वीक होने लग जाता है और हमारा वेट भी दुगनी तेजी से बढ़ने लग जाता है। सो वेलकम टू स्पाइसी कुक, और आज कुछ ऐसा बनाते हैं कि जो खाने में बहुत टेस्टी हो, हमारा वजन भी घटाए और साथ ही साथ बनाने में बहुत ही आसान और कम टाइम लेने वाला हो। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें हमने आधा चम्मच घी डाला है और इस घी को हम मेल्ट होने देते हैं। अब ये घी मेल्ट हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे पालक जो हमने धोकर और चॉप कर लिए, बारीक बारीक चॉप कर लिए, ये हमने इसमें पैन में डाल दी। अब हम इसको थोड़ा सा चला लेते हैं और आप थोड़ी देर में देखेंगे कि इसमें काफ़ी सारा पानी आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे नमक अकॉर्डिंग टू द टेस्ट और इसको फिर से हम मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पर हम इसमें पनीर के कटे हुए टुकड़े डाल देंगे, आप चाहें तो ग्रेटेड पनीर भी डाल सकते हो। इस टाइम पे इसमें स्पाइसी फ्लेवर ऐड करने के लिए हम ग्रीन चिली डाल देंगे, चॉप्ड ग्रीन चिली। देखिए पानी काफी हद तक सूख गया है, अब इसमें हम चिली फ्लेक्स और हमारी इटालियन सीजनिंग भी डाल देंगे और हम इसको फिर से स्टर दे लेंगे और हम इसको थोड़ा सा पानी सूखने तक बस ऐसे ही गैस पे चला लेंगे। ये देखिए पानी बिल्कुल सूख चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये हमारा फिलिंग रेडी हो गई है, दैट्स इट। ये मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, आप इन स्लाइसेस को लेकर इनके बीच में आपने फिलिंग को अच्छे से स्प्रेड कर लेना और उसको बंद करके आप किसी भी ग्रिलर या टोस्टर में इसको लगा दीजिए एंड इसको आप जितना क्रिस्पी करना चाहते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, उतना क्रिस्पी आपने इसको कर लेना है। अगर कोई घी तेल कुछ भी नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करना है तो आप थोड़ा सा घी लगा सकते हो, लेकिन अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो तो नो नीड टू पुट एनी घी। और इसको हमने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली क्रिस्पनेस देख लेनी है, कितनी हमें क्रिस्पी चाहिए। मुझे तो बहुत क्रिस्पी पसंद है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्रिस्पी रखती हूँ। ये हमारे ग्रिल तैयार हो चुके हैं, एकदम से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इसको आप कट कर लीजिए और ग्रीन चटनी या टमाटो केचप या जिसके साथ भी, अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो तो डेफिनेटली इसको ग्रीन चटनी के साथ इंजॉय कीजिए और आप इसको अपने गेस्ट को भी खिला सकते हैं। आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।